इस सबक पर आपका शुक्रिया। अदाकारा उष्णा शाह बुशरा इकबाल की मोहतरफ निकली। अदाकारा उष्णा शाह ने आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया की जानिब से तनसीख निकाह की दरख्वास्त और मुबैना वीडियो लीक होने के बाद सईदा बुशरा इकबाल की तारीफ की है। ट्विटर पर जारी बयान में उष्णा शाह ने बुशरा इकबाल को आपा मुखातिब करते हुए कहा कि आपा ने बतौर मिसाल मुझ पर वाजा किया कि सब्र, बावकार, खामोशी और किसी मसले को अल्लाह पर छोड़ देना ही बेहतरीन रद्द अमल है। अब से मैं इस अमल को अपनी ज़िंदगी में अमली और शोरी तौर पर अपनाऊंगी। अदाकारा ने अपने ट्वीट में इस सबक को सीखने के लिए सईदा बुशरा इकबाल का शुक्रिया भी अदा किया। याद रहे कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया की जानिब से तनसीख निकाह की दरख्वास्त दायर करने के बाद दोनों शख्सियात एक दूसरे से बोहतान तराशियों का सिलसिला जारी रखे हुए थे। याद रहे कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया की जानिब से तनसीख निकाह की दरख्वास्त दायर करने के बाद दोनों शख्सियात एक दूसरे पर बोहतान तराशियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ताहम अब आमिर लियाकत ने हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इस दौरान मुतअद्दिद शोबिज़ शख्सियात ने जहां आमिर लियाकत पर तनकीद की, वहीं दानिया को आमिर लियाकत की वीडियोस लीक करने पर खासी तनकीद का सामना रहा। ताहम इस दौरान आमिर लियाकत की सबका अहलिया सईदा बुशरा इकबाल और दूसरी अहलिया सईदा तूबा ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार किए रखी। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर बुशरा इकबाल ने तलाक के बाद ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह पर अपना मामला छोड़ती हूँ। वाजह रहे कि सईदा बुशरा इकबाल आमिर लियाकत की पहली अहलिया हैं जिनसे इनका एक बेटा और एक बेटी भी है। मज़ीद इंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए वाजोक इंटरटेनमेंट।